बी इंग्लिश क्लासेस योर मास्टर की टुवर्ड्स परफेक्शन। हेलो दोस्तों, बी इंग्लिश क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। ये जो वीडियो है ये पार्ट 3 है अराउंड अ मेडिसिनल क्रीपर के बारे में। जैसे कि मैं हर बार कहते आता हूँ कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो और ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग सबसे पहले इस पर जो बनी हुई पार्ट 1 और पार्ट 2 जो वीडियो है वो आप सबसे पहले देख लीजिए। तो चलो शुरू करते हैं पार्ट 3 इस लेसन का। हाउ कैन आई शो यू दैट प्लांट? देर आर हंड्रेड्स ऑफ प्लांट्स इन द फॉरेस्ट। यू कैन डू वन थिंग सर, यू कैन ट्राई ब्रशिंग योर टीथ विद ईच ऑफ देम, देन वी कैन फाइंड आउट विच वन हैज दिस इफेक्ट। मारा और जो राइटर है दोनों में एक तरह की आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है। जो राइटर होता है वो मारा से कहता है कि तुम एक काम करो, तुम सारे पेड़ में के एक एक लकड़ी लेकर घिसना शुरू कर दो, इससे पता चल जाएगा कि वो कौन सी लकड़ी थी। मारा इस पर ये जवाब देता है कि ये तुम ही करना, तुम ही जाकर सारे पेड़ से एक लकड़ी लेकर घिस कर देखना। इस पर जो राइटर है वो कहता है कि क्योंकि तुम झूठ बोल रहे हो इसलिए तुम्हें साबित करना है, मुझे नहीं। और ये एक आर्गुमेंट चलती रही बहुत देर तक। वाई शुड आई, यू आर द वन हु इज लाइंग, सो यू हैव टू ब्रश योर टीथ विद ऑल दोज प्लांट्स एंड डिस्कवर द राइट वन। क्योंकि जो राइटर है वो कहता है कि मारा जो कह रहा है वो सच नहीं है, वो झूठ बोल रहा है, इसलिए तुम्हें साबित करने के लिए तुम्ही ये काम करना पड़ेगा, तुमको जाकर सारे पेड़ से लकड़ियां तोड़कर एक एक लकड़ी तोड़कर अपने दांत घिसने होंगे। माई गॉड, देर आर सो मेनी प्लांट्स इन द फॉरेस्ट, आई वॉन्ट लिव लॉन्ग इनफ टू ट्राई ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। तो मारा कहता है कि वो आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है कि जंगल में तो कितने सारे पेड़ हैं, अगर मैं सारे पेड़ से एक एक लकड़ी तोड़कर घिसना शुरू कर दूँ तो शायद मेरी उम्र कम पड़ जाए। हे मारा, इफ़ यू कीप ट्राइंग आउट डिफरेंट वंस यू मे फाइंड वन विच इज़ गोइंग टू मेक योर टीथ कम बैक। क्योंकि राइटर को ऐसा लग रहा था कि जो मारा कह रहा है वो सही नहीं है, वो झूठ है, इसलिए राइटर उसे एक एडवाइस देता है और कहता है कि तुम एक काम करो, तुम सारे पेड़ से एक लकड़ी लेना शुरू कर दो और दांत घिसना शुरू कर दो, शायद जिस तरह से तुम्हारे दांत चले गए उसी तरह से तुम्हारे दांत वापस आ जाए। हाउ कैन आई से विच टाइप ऑफ प्लांट आई विल स्टम्बल अपॉन, जस्ट माई बैड लक इफ आई गेट वन विच किल्स मी। तुम्हारा कहता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि जो पेड़ से मैं लकड़ी ले रहा हूँ वो पेड़ मेरे लिए सही होगी और उससे मुझे मेरे सारे दांत आ जाएंगे। हो सकता है कि मैं किसी एक लकड़ी ले लूँ और वो जहरीली साबित हो जाए तो मैं मर जाऊँगा। ऐसे हम कह नहीं सकते कौन सा प्लांट कैसा है, कौन सा पेड़ कैसा है, वो जहरीला है या नहीं है, उसकी हमें जानकारी नहीं होती। तो अगर हम किसी पेड़ की अगर लकड़ी लेकर दांत घिसना शुरू करते तो शायद मैं अपनी जान से हाथ धो बैठूं। देन व्हाई आर यू आस्किंग मी टू ट्राई, बिकॉज यू आर द वन हु इज़ अक्यूजिंग मी ऑफ लाइंग। तो फिर जो राइटर होता है वो उसे मारा कहता है कि फिर तुम मुझे क्यों कह रहे हो कि सारे पेड़ से जाकर लकड़ी लेने के लिए। तो इस पर मारा जवाब देता है क्योंकि तुम मुझे इल्ज़ाम लगा रहे हो कि मैं झूठा हूँ। सपोज यू कम अपॉन द वन दैट विल ब्रिंग बैक योर यूथ। तो मारा जो राइटर है वो फिर से एक बार मारा का मजाक उड़ाकर कहता है कि शायद किसी पेड़ में वो ताकत हो कि तुम्हारी जवानी वापस आ जाए। क्योंकि राइटर को अच्छी तरह से पता था कि जो मारा कह रहा है वो झूठ कह रहा है और इस तरह का कोई पेड़ मौजूद नहीं था जो दांत को गंवा दे और या तो दांत को वापस ला दे। आई डोंट इवन वॉन्ट दैट, If I become young, I will have to marry again. तो मारा इस पर जवाब देता है कि मुझे वापस से जवान नहीं बनना, क्योंकि अगर मैं जवान बन जाऊँगा तो मुझे शादी करनी पड़ेगी। Let that be, but don't think that such a plant doesn't exist in a forest, he said, and told me another story. इस पर मारा कहते हैं कि तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है तो ऐसा भी एक पेड़ होगा इस फॉरेस्ट में, इस जंगल में, जो इंसान की जवानी वापस दिला दे। तो चलो मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ, क्योंकि मारा जो है वो कहानी सुनाने में काफ़ी एक्सपर्ट है। तो वो राइटर को एक और कहानी सुनाना शुरू कर देता है। लॉन्ग अगो, यानी कई सालों पहले, एक ज़माने पहले, मारा एंड अ फ्रेंड ऑफ हिज लेड अ ट्रैप एंड कॉट अ बार्किंग डियर। बार्किंग डियर, देखो ये वर्ड जो बार्किंग है इसका मतलब ये कुत्ते से ताल्लुक है, यानी जब कुत्ता भौंकता है तो उसे बार्किंग कहते हैं इंग्लिश में। अब बार्किंग डियर क्यों कहा गया यहाँ पर, क्योंकि एक ऐसी भी प्रजाति है हिरन की जो एक्चुअली थोड़ा सा कुत्ते की तरह भौंकती है, या जो उसका आवाज़ होता है वो कुत्ते की तरह होता है।
यानी पूरी तरह से कुत्ते की तरह भौंकती नहीं है, सिर्फ छोटा सा हल्का 2 या 3 सेकंड के लिए हमें ऐसा महसूस होता है कि वो भौंक रही है, ठीक है, कि उसकी कुदरती देन है, आवाज़ ही वैसी है। तो मारा उसे एक किस्सा सुनाता है और कहता है कि एक ज़माने पहले मैं और मेरा दोस्त एक जाल बिछा रहे थे एक हिरन के लिए। As they had to divide it equally between them, they took it near to the stream, skinned it, cleaned and divided the meat. They wrapped their portions in some leaves and brought them home. तो एक जाल बिछाने के बाद उन्हें एक हिरन मिल जाता है। उस हिरन को लोग ज़बह करते हैं, यानी उसे काट कर उसकी जो चमड़ी होती है उसे निकाल कर साफ करके उसे अच्छी तरह से उस मटन को या उसके जो हिस्से होते हैं उसे पीसेस करके उन लोग वो जो लोग होते हैं यानी जो मारा और उसका जो दोस्त होता है वो आपस में उस गोश्त को डिवाइड कर लेता है, क्योंकि उनके पास कोई चीज़ मौजूद नहीं होती है, यानी कोई वो लोग बर्तन नहीं लेकर आते या कुछ लेकर नहीं आते जिससे वो गोश्त को उनके हिस्से का जो गोश्त है वो डाल सके। तो वो क्या करते हैं, आसपास के पेड़ के जो पत्ते होते हैं उसमें वो लोग वो गोश्त रख कर अपने अपने घर चले जाते हैं। अगर आपको याद आता होगा तो शायद पार्ट 1 या पार्ट 2 में मैंने आप लोग को एक किस्सा सुनाया था इसी तरह का किस्सा, ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये किस्सा जो है ये कर्नाटक का किस्सा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कर्नाटक में कहीं ना कहीं तो ये जो पौधा होना चाहिए। इन मारास हाउस दे गॉट रेडी टू कुक, दे प्रिपेयर्ड द मसाला विद स्पाइसेस बट द वाटर टू बॉइल एंड ओपन द पैकेट टू टेक आउट द मीट। मारा के घर पर ये खाना जो पक रहा था, जो शिकार उन्होंने किया था हिरन का, तो अब जब दे प्रिपेयर द मसाला विद स्पाइसेस, उसका जो दोस्त और मारा ये दोनों मिलकर मारा के घर पर खाना पका रहे थे, गोश्त को पका रहे थे। तो अब खाना पकाने के लिए आप लोगों को तो पता है कि बहुत सारे सामग्री की ज़रूरत होती है, पानी, मसाला और बहुत सारे और चीज़ें होती है। पुट द वाटर टू बॉयल, पानी गर्म करने के लिए रखा एंड ओपन द पैकेट टू टेक आउट द मीट। अब उस गर्म पानी में जो लपट कर उन लोगों ने जो गोश्त लाया था, जब उन्होंने उस गोश्त को खोला तो वो हैरान हो जाते हैं। गोश्त की जगह पर वहाँ पर एक जिंदा हिरन था। अब ये सचमुच एक हाइट हो गई झूठ बोलने की, क्योंकि उन लोगों ने, आप लोग को पता है कि उन लोगों ने क्या किया था, जैसे कि मैंने आप लोग को कहा था कि उन लोगों ने हिरन की चमड़ी निकाल कर उसे साफ की थी। तो कैसे हो सकता है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक हिरन जिंदा हो जाए। अब ये कह सकते थे कि एक गोश्त एक हो गए या एक जान हो गई, वो गोश्त के जो टुकड़े थे वो एक हो गए, ये हम लोग जरा हम समझ सकते हैं और इसे शायद इस पर भरोसा भी कर ले, लेकिन गोश्त एक हो जाते हैं और फिर वो हिरन बनकर दौड़ना शुरू कर देता है, ये तो काफ़ी किसी भी छोटे बच्चे के लिए भी ये मान लेना आसान नहीं है। द मोमेंट इट सॉ मारा इट जम्प्ड अप एंड रन आउट ऑफ हिज हाउस, जैसे ही वो हिरन ने मारा को देखा तो वो कूद पड़ा और मारा के घर से बाहर भागना शुरू कर दिया। When Mara was trying to catch it, as usual, Mara's wife ignorantly took the leaves and threw them into the fire. जब मारा उस हिरन को पकड़ने के लिए घर से बाहर निकला, तब उसकी जो वाइफ थी, मारा की वाइफ ने उन पत्तों को जाने अनजाने में चूल्हे में डाल दिया, जिसके वजह से वो सारे पत्ते जल गए और पता नहीं चला कि वो पत्ते कौन से थे। ठीक ऐसी ही कहानी मैंने आपको भी कही थी, लेकिन ये जो कहानी है जो मैंने आपको कही थी ये भी मैंने कहीं ना कहीं से सुनी थी, क्योंकि मैंने ये जो चीज़ अपने आँखों देखी नहीं देखी थी, इसलिए मैंने आप लोग को ये नहीं कह सकता या मैं इसका दावा नहीं कर सकता कि जो मैंने आप लोग से कहा वो सच है, लेकिन मैंने सुनी थी। When I heard this story, I was speechless. जाहिर सी बात है जब राइटर ने ये कहानी सुनी तो वो स्तब्ध रह गया, उसे शब्द नहीं मिल रहे थे बोलने के लिए। And I did not ask Mara for any elaboration or explanation because this was the height of inventive genius. अब मारा से उसने ज़्यादा कुछ सवाल ही नहीं पूछे राइटर ने, क्योंकि राइटर को आगे पूछने के लिए उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। ये मारा की एक सोच की जीनियसनेस कह सकते हैं, यानी उसकी एक दिमाग की ताकत कह सकते हैं कि वो इस तरह के नए नए कहानियाँ लेकर आता है। लेकिन झूठ जो होता है ना वो हमेशा, यहाँ पर मैं आप लोगों से कहता हूँ कि जब भी कोई झूठ कहता है, झूठ की उम्र ज़्यादा नहीं रहती,
झूठ कभी ना कभी तो सामने आता ही है और सच्चाई की जीत होती है, इसलिए हमेशा सच कहना चाहिए। यहाँ पर जब हम किसी से झूठ कहते हैं तो वो हमें याद नहीं रहता। आज से 10 दिन बाद या 12 दिन बाद या 1-2 साल बाद जब आपसे वही सवाल पूछा जाए तो शायद आपका जो जवाब होगा वो शायद अलग हो सकता है, क्योंकि आपने झूठ कहा था उस वक्त। इट इज़ नो वंडर दैट द वाइट मैन ऑफ हुली हिंडलू वॉज प्रिपेयर्ड टू गिव अवे हिज एंटायर इस्टेट इन एक्सचेंज ऑफ दिस वंडर प्लांट्स। शायद इसीलिए जो वो इंसान था, वो अंग्रेज था, हुली हिंडलू वाला, ये इस वजह से ही शायद वो अपनी पूरी जायदाद देने के लिए तैयार हो चुका था इस तरह के पौधे के लिए। और कोई और इंसान होता तो शायद वो भी यही करता था, क्योंकि ये पौधा ही ऐसा था। Now it has been a long time since I sold an estate and Mara is also dead and gone. अब कहानी का एक और ट्विस्ट है यहाँ पर। अब जो कहानी है मारा की वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि मारा अब नहीं रहा। अब ज़माना गुजर गया था, मारा अब नहीं रहा, मारा की मौत हो चुकी थी। It is difficult to dismiss all of Mara's stories as bunkum. लेकिन जो वो कहानी मारा कहता था उसमें कहीं ना कहीं तो सच्चाई दिख रही थी, आधा सच आधा झूठ। लेकिन पूरी तरह से मारा की जो कहानियाँ थी उसे झूठी साबित नहीं कर सकते थे। सम लिटिल डिटेल्स रिमेन्स टू बॉदर योर कॉन्साइंस। कुछ कुछ बातें ऐसी थी मारा की कहानियों में जो वो आपको अंदर से झिंझोड़ सकती थी और आपको सोचने पे मजबूर कर सकती थी। द टोटल डिसइंटरेस्ट दैट मारा शोड इन ट्राइंग टू आर्ग्यू विद अस और कन्विंस अस फॉर दैट मैटर टू लाई और टेल द ट्रूथ कंटिन्यूस टू बॉदर अस। एक और बात जो मारा की खासियत थी वो ये थी कि मारा कभी भी अपनी कहानियों को सच साबित करने की कोई कोशिश ही नहीं करता था। वो हमेशा ऐसा सोचता था कि चाहे तुम इस मेरी कहानियों को मानो या ना मानो, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो सच ही है। और इस पर वो और बहस या अपने आप को सच साबित करने की कोशिश कभी की नहीं उसने। तो ये राइटर को हमेशा अंदर ही अंदर वो सोचने पे मजबूर करती थी कि कहीं ना कहीं जो मारा की कहानियाँ थी वो सच थी। मारा के गुजरने के काफ़ी अरसे बाद फिर से ये जो पौधा था ये चर्चा का एक विषय बन चुका था। दिस टाइम आई सॉ अपन्ना टाइंग इट टू अ नियर बाय ट्री, ठीक उसी तरह से जैसा मारा उस पौधे को दूसरे पेड़ से बांध दिया करता था। अब जो अपन्ना एक नया कैरेक्टर है यहाँ पर, वो भी इसी तरह से उस पौधे को किसी पेड़ से बांध रहा था। आई आस्क्ड हिम वेदर ही न्यू इट्स यूजेस, क्योंकि जो राइटर था मारा से पहले ही मुलाकात हो चुकी थी और मारा ने पहले ही कहा था जब वो जिंदा था इस पौधे के बारे में। अब वो अपना से वो इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है। वो अपना से पूछता है कि क्या तुम्हें इस पौधे के बारे में कुछ जानकारी हासिल है। ही डिड नॉट नो आई बिलीव यू स्क्वीज द जूस ऑफ दिस लीव्स मिल्क बिकम्स हार्ड ही सेड। तो वो जो इंसान था वो कहता है कि मुझे ज़्यादा इसके बारे में जानकारी तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम इस पौधे में का जो दूध है, यानी देखो कुछ कुछ पौधे ऐसे हैं जब आप उसके पत्ते को या उसकी डंडी को तोड़ते हो तो वहाँ से एक वाइट कलर का एक लिक्विड बाहर आना शुरू हो जाता है, जिसे हमारे आम जबान में उसे दूध कहते हैं। असल में वो दूध नहीं होता है, वो एक टाइप का केमिकल ही होता है या कोई एक चीज़ होती है जो प्लांट से निकलती है। आप लोग ट्राई मत करना दूध समझकर, ये तो आप लोग पी लोगे उसे। तो यहाँ पर कैसा होता है कि वो जो इंसान है वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो दूध है, अगर इस दूध को या इसके कतरे को दूध में डाल दोगे तो शायद से ये दूध को गाढ़ा कर दे दही की तरह। आप सब लोगों ने दही देखा होगा, जब आपके जो घर में जो लेडीज़ होती है उन्होंने कभी ना कभी तो वो चीज़ की होगी, दूध से दही तैयार किया होगा, ठीक है। आई थॉट दैट प्रोबेबली द लीफ ऑफ दिस क्रीपर मस्ट बी सॉल्ट। तो दही को एक्चुअली जब दूध से दही बनाना होता है तो हमें ऐसी कोई खट्टी चीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे नींबू या हमारी ज़बान में उसे जामुन कहते हैं, ठीक है। यानी थोड़ा सा हिस्सा दही का जो पहले से ही दही है उसका थोड़ा सा हिस्सा जब आप दूध में डालते हो तो फिर वो भी दही बन जाता है, यानी जो दूध मौजूद है वो भी दही हो जाता है। तो राइटर को ऐसा लगा शायद ये जो पौधा है ये पौधे में खटास होगी, इसके दूध में खटास होगी, शायद इसीलिए ये
दूध से दही बन जाता होगा. When you squeeze something sour into the milk, it spoils and curdles. तो राइटर कहता है कि जब आप दूध में कोई खट्टी चीज़ मिक्स करते हो तो फिर वो दूध फट जाता है और दही बन जाता है. I thought this was being a mistaken for hardening of milk. I asked Aparna, have you seen it happen? तो राइटर को एक उत्सुकता थी और उसने अपना से पूछ लिया, क्या तुमने कभी देखा इस तरह से दूध को दही होते हुए? That is what people say. यही लोग कहते हैं. Where can I find milk for all such experiments? He replied. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अपना जो है वो गरीब है, इसीलिए वो इतना सारा दूध लाकर उसे दही में कन्वर्ट करना, या एक तरह से आप लोग कह सकते हो कि वो दूध को ख़राब करने जैसा ही है. तो वो कहते हैं कि मुझे इतना सारा दूध कहाँ मिलेगा ये सब प्रयोग करने के लिए. इज देयर एनी बेसिस फॉर दी स्टोरीज दैट आर स्प्रेड अबाउट दिस प्लांट्स एंड हर्ब्स? क्या ये जितने भी जो ये जो पौधे हैं या जो ये जड़ी बूटियाँ हैं, इनके बारे में जो कहानियाँ जो इधर उधर हमें सुनने मिलती है, क्या ये सच है? आई वंडर्ड वेदर आई शुड स्क्वीज द लीव्स इनटू मिल्क एंड सी व्हाट हैपेंस इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग अदर्स फॉर नॉट नोइंग. तो राइटर ने कहा कि चलो खुद ही देख लेते हैं, खुद ही दूध लेकर आते हैं और इसे इस दूध के अंदर ये जो पौधे का जो दूध है इसे मिक्स करते हैं. इसे और हमारी जबान में और एक और चीज़ कहते हैं जिसे कहते हैं चीक. ठीक है, एक ऐसा पौधा है हमारे खेतों में, अगर उसका जो चीक है हमारे आँखों में चले जाए तो हमारे आँखें हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो सकती. इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग अदर्स फॉर नॉट नोइंग आई थॉट इट वुड बी बेटर टू चेक इट आउट ऑन माई ओन. तो जो राइटर है उसने सोचा कि दूसरों को इल्ज़ाम लगाने से अच्छा या दूसरों को बुरा बुला कहने से अच्छा, चलो ठीक है मैं ही एक एक्सपेरिमेंट करके देख लेता हूँ कि क्या होता है. आई प्लक्ड सम लीव्स फ्रॉम द क्रीपर एंड टुक देम टू माई फ्रेंड चंद्रू हु इज़ अ प्लांट पैथोलॉजिस्ट. तो वो क्या करता है, वो जो पौधा है उस पौधे के कुछ पत्ते ले जाकर अपने दोस्त जिसका नाम है चंद्रू, और वो जो चंद्रू है वो प्लांट का एक पैथोलॉजिस्ट है, एक तरह से आप कह सकते हो कि जानकार है पौधों का. आई टोल्ड हिम व्हाट आई हैड हर्ड अबाउट दिस प्लांट. वी डिसाइडेड टू कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट एंड ब्रॉट अ लीटर ऑफ मिल्क. तो जो राइटर है उसने अपने दोस्त चंद्रू को ये सारी हकीकत बता दी कि ये जो पौधा है ये क्या कर सकता है, और ऐसी ऐसी बातें उसने सुनी है. तो उन दोनों ने जाकर एक लीटर मिल्क यानी एक लीटर दूध लाया एक्सपेरिमेंट करने के लिए. द अदर साइंटिस्ट फ्रेंड्स लाफ्ड एट अस. जो बाकी के जो दोस्त थे जो साइंटिस्ट थे वो हंस रहे थे दोनों पे, क्योंकि उनको पता था कि ये जो वो कर रहे हैं ये इससे कोई हासिल नहीं होने वाला. दे सेड दैट वी वर वेस्टिंग अ लीटर ऑफ गुड मिल्क लिसनिंग टू ऑल काइंड ऑफ कॉक एंड बुल स्टोरीज. कॉक एंड बुल स्टोरीज यानी झूठी कहानियाँ. तो जो साइंटिस्ट थे वो हंस रहे थे राइटर पे और उसके दोस्त चंद्रू पर, ये कहते हुए कि ये जो तुम कर रहे हो ये अब एक लीटर दूध बर्बाद करने जैसा है झूठी कहानियों को सुनकर. वंस वी हैड डिसाइडेड टू प्ले द फूल्स. तो हमने सोचा चलो एक बार पागल बनकर देख लेते हैं. वी कुडंट केयर लेस अबाउट अदर्स लाफिंग एट अस. तो हम वो राइटर कहते हैं कि हमने जो आसपास जो लोग हम पर हंस रहे थे, हमने उसका ज़रा भी हम लोगों ने उसकी परवाह नहीं की. सो वी पुट द मिल्क एंड लीव्स इनटू अ मिक्सर एंड स्विच इट ऑन. आफ्टर दे वर थोरली मिक्स्ड वी पोर्ड इट आउट इनटू द वेसल. तो राइटर ने क्या किया, मिक्सर में दूध और पत्तों को मिक्स कर दिया और अच्छी तरह से उसे मिक्स कर दिया. फिर वो जो मिश्रण था जो मिक्सर था उसे एक पतीले में निकाल कर रख दिया. We watched for some time to see whether it would become curdled or remain as it is it was. अब यहाँ पर एक किस्सा मुझे याद आ रहा है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था इस लेसन के शुरुआत में कि मुझे बहुत सारे किस्से याद है. अगर मैं यही लेसन कॉलेज की क्लास में सिखाता तो शायद मेरे पास बहुत सारे किस्से होते, लेकिन अभी ये मैं यूट्यूब पर सिखा रहा हूँ तो मुझे टू द पॉइंट होना पड़ेगा. लेकिन एक किस्सा मैं आप लोग से शेयर करना चाहता हूँ. हमारे गाँव में एक औरत है जो दूध में कुछ पत्तों को मिक्स कर देती है. ये जो होता है ना, ये जो मेडिसिन या जो दवा होती है ये ज़्यादा करके कामिनी या पीलिया, जिसे हमारी और एक इंग्लिश की ज़ुबान में जॉन्डिस कहते हैं,
जिसमें बीमारी ऐसी होती है कि आँखों का कलर पीला हो जाता है और जो हमारे नाखून होते हैं उसका भी कलर पीला हो जाता है, पीलिया कहते हैं हम उसे आम जबान में। तो मुझे अक्सर पीलिया होता था, अब तो नहीं होता, लेकिन जब भी मुझे पीलिया होता था तो मैं उस औरत के पास जाता था, बकरी का दूध लेकर जाना पड़ता था एक गिलास, और वो जो औरत होती थी सुबह सुबह खाली पेट वो दवा मिक्स कर कर देती थी। वो दवा आज तक मुझे नहीं पता कि वो क्या करती थी, लेकिन कुछ पत्तों को मिक्स करके वो दूध में डालकर देती थी और फिर उसे मैं पी लेता था और मैं ठीक हो जाता था। वी वॉच्ड फॉर सम टाइम टू सी वेदर इट वुड बिकम कर्डल्ड और रिमेन हैज इट इज इट वॉज। तो जो राइटर और ये जो चंद्रू है, ये दोनों जब पतीले में उस मिक्सचर को डालकर देख रहे थे कि क्या होता है, नथिंग हैपेंड फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स। कुछ मिनट तक तो कुछ भी नहीं हुआ, दूध है जैसा वैसा ही रहा। जस्ट हैज आई डिसाइडेड दैट वी हैड इंडीड वेस्टेड अ लीटर ऑफ मिल्क, आई टच इट अगेन, इट हैड बिकम फर्म एंड रबरी। तो राइटर को लगा शायद हम लोगों ने एक लीटर दूध बर्बाद कर दिया, लेकिन जब वो उस दूध के मिश्रण को अपने उंगली से दबा कर देखता है तो सचमुच वो ऐसा था जैसे कि एक रबर को हाथ लगा रहा है, जैसे कोई जेली हो। आप सब लोगों ने जेली देखी होगी। आई टच इट अगेन, इट हैड बिकम फर्म एंड रबरी। व्हेन वी इन्वर्टेड द वेसल द होल थिंग फेल आउट लाइक अ मोल्डेड कास्ट। तो उन्होंने उस पतीले को उल्टा कर दिया तो वो जो दूध था वो एक ऐसा इस तरह से बाहर निकला जैसे कि कोई जेली हो। सो देन दिस क्रीपर हैड सम क्वालिटीज। अब उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि इस पेड़ में या इस पौधे में कुछ ना कुछ तो खासियत है। नाउ इट वॉज आवर टर्न टू वंडर, बट द प्रॉब्लम वॉज दैट डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस वी डिडंट नो विच डिजीज और डिजीज इट क्योर्ड। लेकिन इतना होने के बावजूद भी दोनों को ये नहीं पता था कि ये जो पौधा है ये किस बीमारी में काम आता है। दो नो वन सीम्ड टू नो जस्ट लाइक मारा, ऑल एंड सन्ड्री यानी कि सारे लोग यूज टू गो अराउंड टाइंग दिस क्रीपर टू द नियरेस्ट प्लांट एंड मटरिंग स्टे हियर। लेकिन एक चीज़ राइटर ने देखी है कि मारा जो करता था पहले, यानी मारा उस पौधे जहाँ कहीं भी मारा को वो पेड़ दिखाई देता था, तो मारा की तरह सारे लोग उस पौधे को किसी बाजू वाले या आसपास के पेड़ से बांध दिया करते थे और बांधते हुए वो कहते थे कि यहीं रहो, स्टे हियर। आई हैड नेवर सीन एनीवन एक्चुअली गो बैक टू अनटाई इट एंड टेक इट होम फॉर सम एलिमेंट्स। राइटर ने ये तो देखा था कि सारे लोग उस पौधे को अब पेड़ से बांध कर कहते हैं कि यहीं रहो, लेकिन राइटर ने कभी अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसा किसी को ये करते हुए नहीं देखा कि उस पौधे को खोल कर अपने घर लेकर गए हो या किसी बीमारी में उसका इस्तेमाल किया हो। टाइम पास्ट एंड वंस अगेन आई फॉरगॉट अबाउट महाराज मेडिसिनल क्रीपर। कुछ अरसे गुजर गए और फिर से एक बार राइटर को मारा कि वो मेडिसिनल पौधे की याद आती है। द अदर डे माई अर्स्ट वाइल्ड फार्म हैंड कृष्णा केम टू मी। ही वॉज परफेक्टली हेल्दी द लास्ट टाइम आई हैड सीन हिम, बट नाउ ही वॉज स्टैंडिंग बिफोर मी पेल एंड ब्रेथलेस। तो यहाँ राइटर एक और किस्सा सुनाता है। कृष्णा नाम का कोई एक इंसान फार्म हैंड यानी ये खेतों में काम करने वाला या मदद करने वाला एक गड़ी आप लोग कह सकते हो। तो ये जो कृष्णा है खेतों में काम करने वाला जो मजदूर है, ये जब राइटर के सामने आता है एकदम बुरी हालत में, ब्रेथलेस यानी एकदम कमज़ोर हालत में, जैसे कि वो पुराने जैसे कि ये जो कृष्णा है ये पुरानी बीमारी से जूझता हुआ इस तरह से वो उस राइटर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन इसके पहले कृष्णा काफ़ी मजबूत था और स्वस्थ था। जब भी राइटर उसे देखता था तो उसे हमेशा कृष्णा को ऐसा पाया कि वो काफ़ी मजबूत रहा है। लेकिन अब जब कृष्णा को वो इस हालत में देख रहा है तो काफ़ी अचंभे में हो जाता है। ही हैड स्टॉप्ड वर्किंग इन द इस्टेट सम टाइम अगो एंड वॉज ड्राइविंग अ रिक्शा। अब वो जो कृष्णा है क्योंकि वो कमज़ोर हो चुका था, वो खेतों में काम करना छोड़ दिया था और ड्राइविंग यानी रिक्शा चलाना शुरू कर दिया था। अपेरेंटली व्हेन ही चेंज हिज जॉब ही स्टार्टेड पासिंग ब्लड विथ हिज टूल्स। नाउ इट हैड बिकम मोर सीरियस एंड ही वॉज टायर्ड ब्रेथलेस एंड वीजिंग।
अब काफ़ी दिन गुजर चुके थे जब वो खेतों में काम करना छोड़ दिया था। उसके बाद ही से ही जब भी वो बाथरूम के लिए जाता था तो उसके बाथरूम में से, यानी जब वो बाथरूम करने जाता था तब खून निकलता था। नाउ इट हैड बिकम मोर सीरियस। जब भी कोई इस तरह का बीमारी होता है, ये अक्सर जो पाइल्स जैसी बीमारियां होती है ना, इसमें होता है कि इंसान को बाथरूम के रास्ते से खून निकलना शुरू हो जाता है। तो ये अच्छी बात नहीं है। हमारे जिस्म से किसी भी तरह से अगर हमारा खून बाहर निकलता है तो यह हमारे जिस्म के लिए कमज़ोरी का सबब बन सकता है। तो जब इस तरह से जब खून बाहर निकल रहा था तो कृष्णा काफ़ी कमज़ोर हो चुका था, और ये एक सीरियस मैटर था। वो काफ़ी कमज़ोर और थका हुआ महसूस लग रहा था, जैसे कि कोई जान ही ना हो। और जब भी वो बात करता था तो उसके आवाज़ में एक ऐसी कमज़ोरी झलकती थी। आई थॉट ही मस्ट बी हैविंग पाइल्स। तो राइटर को ऐसा लगा शायद इसे मूलव्याध यानी पाइल्स की बीमारी हो। एज़ फार एज़ आई न्यू द ओनली एलोपैथिक ट्रीटमेंट फॉर पाइल्स वॉज सर्जरी। आज भी कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मेरे जानकार में है जिन्हें पाइल्स है, और उन लोगों ने हर तरह के टोटके, नुस्खे और दवा, इस सारी चीज़ें आजमा कर देख लिए, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, यूनानी, हर तरह के का। लेकिन अब उनको तो कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन अब उनको एक ही रास्ता दिखाई देता है और वो है ऑपरेशन करना, सर्जरी यानी कि ऑपरेशन। तो राइटर को ऐसा लग रहा था कि राइटर को पता था कि इस तरह की जो बीमारी होती है इसमें हमेशा ऑपरेशन ही काम में आता है। आई फेल्ट सॉरी फॉर दिस मैन हु यूज्ड टू वर्क हार्ड टू अर्न अ लिविंग। इस तरह से उसकी हालत देखकर जो राइटर था उसे काफ़ी बुरा लगा। विद अ वाइफ एंड अ स्मॉल चिल्ड्रन एट होम आई वंडर्ड हाउ ही कुड मैनेज एक्सपेंसिव सर्जिकल ट्रीटमेंट एट हॉस्पिटल। उसके घर पर एक वाइफ और छोटी सी बच्ची या बच्चे थे। वो सोच रहा था, राइटर सोच रहा था कि ये इतना कमज़ोर और इतना गरीब है, शायद ही कोई कमाता होगा दिन भर, तो ये ऑपरेशन का खर्चा कैसे उठा सकता है। विच मीन्स सेवरल डेज ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एंड सो लैक ऑफ वर्क एंड इनकम। ये जो मजदूर होते हैं ना, जो दिन भर दिहाड़ी वाला काम करते हैं, हमारे जमान में इसे कहते हैं हाथ पर के पेट, यानी कि सुबह जाओ काम करो और शाम को वापस आ जाओ, और जो जिस दिन जितना काम किया उतना पैसा ले लो। ऐसे जो लोग होते हैं इन्हें महीने की सैलरी नहीं मिलती है, दिन भर में जितना काम किया उतना पैसा मिल जाता है। तो जो कृष्णा था वो भी इसी तरह से कुछ काम करता था, दिन भर कमाने वाला, घर में अगर इस तरह से वो बीमार रहा तो कैसे कर सकता है, कमाएगा कैसे, क्योंकि वो एकलौता एक उसके परिवार का कमाने वाला इंसान था। तो यहाँ पर मैं ये किस्सा रोकता हूँ। पार्ट फोर में मैं आप लोग को बताऊँगा कि कृष्णा के साथ क्या हुआ, और देखते रहिए बीइंग इंग्लिश क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।